नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एसएससी वन टाइम ओटीआर की वेबसाइट यहां पर ओपन है। यदि आपने अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपल आपको लॉग इन करना होता है और लॉग इन करने के बाद आपको देखने को मिलेगी न्यू लेटेस्ट वैकेंसी एसएससी स्टेनोग्राफर सी एंड डी। तो चलिए जानते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और पेमेंट के प्रोसेस की नॉलेज भी इसमें पूरी आपको बताई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन आवेदन यहाँ स्टार्ट है, वो 26 जुलाई से स्टार्ट है और एप्लीकेशन एंड डेट 17/8/24/11 PM, लास्ट डेट 18/8/27/8 से लेकर 28/8 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट पेज जो ओपन होता है वो आपका ओटीआर वाला रजिस्ट्रेशन का पेज होता है, अच्छे से चेक कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप एजुकेशन डिटेल्स का है, यहाँ पर ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चूंकि हाईएस्ट एजुकेशन आपकी जो भी है वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन में केवल आपको 12th ही सिलेक्ट करना होगा क्योंकि 12th ही यहाँ ऑटोमेटिकली दिया गया है। सिलेक्ट करने के बाद 12th को क्योंकि 10+2 से है ग्रुप सी एंड डी स्टेनोग्राफर, पास स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड सेलेक्ट करना होगा इंटर का। एंटर का रोल नंबर डालना होगा, एंटर की परसेंटेज डालनी होगी, सीजीपीजी है तो सीजीपीजी डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ एक्स सर्विस है, एज रिलेक्शन चाहिए या फिर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट जॉब से संबंधित सूचना आपके अपने नंबर पर चाहिए तो वो आपको मिलती रहेगी, नहीं चाहिए तो आप तीनों पर नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ परीक्षा सेंटर को फिल कर लेना होता है, पहला दूसरा तीसरा जो भी पसंद हो सेलेक्ट कर लीजिए। डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डू यू पजेसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यहाँ पर आपको यस करना अनिवार्य है, मैंडेटरी फील्ड है, यस करना होगा। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, तो जो स्किल टेस्ट है तो यहाँ बात स्टेनोग्राफी की हो रही है तो मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट उसी से संबंधित है। आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी के लिए या ग्रुप डी के लिए या फिर बोथ के लिए, तो बोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल के लिए कर रहे हैं तो सिंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई में सेलेक्ट करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पर देखिए कि आपसे लाइव फोटो का वेब कैमरा नहीं है, लैपटॉप नहीं है या फिर दिक्कत हो रही है फोटो अपलोड करने में, तो फटाफट जो QR कोड मैंने हाइड कर रखा है आपको हाइड नहीं करना, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ लिखा हुआ इफ़ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटो विद योर डिवाइस स्कैन द बिलो QR कोड टू डाउनलोड द ऐप फॉर द प्ले स्टोर। तो जैसे स्कैन करेंगे लिंक मोबाइल पर आएगा, क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पहुंचेंगे, प्ले स्टोर से ये SSC का ऐप डाउनलोड हो जाता है, वहाँ पर अपना जो OTR नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको डाल के पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करते हुए लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करते ही आपके सामने जो फोटो कैप्चर का ऑप्शन आता है वहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वहाँ फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। साफ रोशनी हो, पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो, सही से हो, लाइट बैकग्राउंड हो और अच्छे से कैप्चर कर लीजिए, शोल्डर भी सही से दिख जाए, चेहरा भी सही से आ जाए, बट सेल्फी से ना लगे, सही से फोटो कैप्चर हो जाए, जो लगे कि हाँ फोटो खिंची हुई है। फोटो को कैप्चर कर लेंगे, वहाँ पर आपको सेव कर देना होता है और उसके बाद अपलोड करेंगे, सेव होता है, रिटर्न कर देंगे, सक्सेसफुल होकर वो अपना ऐप में सेव, ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, अब आप सिस्टम पर कर रहे हैं तो रिफ्रेश कर देंगे तो फोटो यहाँ पर शो कर जाएगी, और नहीं तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए आपको 6 2 में 6 और 2 में सेंटीमीटर में आपको जो है सिग्नेचर बनाना होता है, और जो सिग्नेचर आप बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर, जो फोटोशॉप का रेजोल्यूशन रहेगा वो 100 रहेगा। ठीक है, चलिए हम एक सैंपल आपको दिखा देते हैं सिग्नेचर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 6 विड्थ और 2 हाइट है और रेजोल्यूशन जो है 100 रखा है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर पिक्सल सेंटीमीटर, ये केवल जो फोटोशॉप में जब हम सिग्नेचर की बॉक्स को क्रिएट करते हैं उसी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी फोटो सिग्नेचर को स्कैन करेंगे तो सिग्नेचर 200 DPI पे स्कैन करेंगे अपने प्रिंटर से और फोटो को 300 DPI पे स्कैन करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस प्रकार का ये साइज बन जाता है। ठीक है, जब भी आपने 200 DPI में सिग्नेचर को स्कैन किया है तो पूरे सिग्नेचर को आप सीधा फोटोशॉप में लाइए
और उस इमेज पर इस टूल के माध्यम से, मूव टूल के माध्यम से उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन से माउस को दबा लीजिए, पूरा उठाइए और ड्रैग कर दीजिए इसके ऊपर, और सिग्नेचर को बीच में जो लाके सेट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद मीडियम क्वालिटी पर सेव कीजिए और सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा। आसानी से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई समस्या आ रही है आप स्पेशली कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया गया है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, फाइनल प्रीव्यू पर जाना होगा। तो यहाँ आ चुके हैं फाइनल प्रीव्यू पर, और प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, फॉर्म सक्सेसफुल होगा, एप्लीकेशन स्टेटस जाके अपना फाइनल प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। यदि पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो वेरीफाई करिए, दोबारा से पेमेंट करिए, आपका सक्सेसफुल होगा, फाइनल प्रिंटआउट आपको प्राप्त हो जाएगा। डेमो के तौर पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आपका प्रिंटआउट सक्सेसफुल होता है, एससी एसटी महिला है तो फीस एग्जेम्प्टेड रहती है दोनों ही स्थितियों में, चाहे फीस कट रही हो या ना कट रही हो। जब भी फॉर्म आपका सक्सेसफुल सबमिट होगा, एप्लीकेशन स्टेटस, माई एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे तो इस प्रकार से एप्लीकेशन स्टेटस करता है। जैसे माई एप्लीकेशन स्टेटस में गए तो फॉर्म जैसे पेंडिंग है, तो यहाँ आपको एक वेरीफाई बटन मिल जाएगा पेमेंट वेरीफाई करने का, तो उसे वेरीफाई करना होता है। अगर सक्सेस होगा तो वेरीफाई होगा, तो जब भी स्टेटस आएगा तो एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट आ जाएगा, इसका मतलब फॉर्म सक्सेसफुल हो। जब प्रिंट करेंगे तो वहाँ एप्लीकेशन कंप्लीटेड ज़रूर लिखा होना चाहिए। यदि इनकम्प्लीट होगा तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप एस सी एस टी फीमेल हैं और आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, आपको ज्ञात करना है फॉर्म सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो यहाँ जब एप्लीकेशन स्टेटस जाएंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट ही आपको शो करेगा। जब तक ये बटन शो नहीं कर रहे तब तक आप सक्सेसफुल अपने आप को ना माने। जिनकी फीस कट रही है उनके में भी ये स्टेटस आना चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे फीस अपडेट होने के बाद आए, या फीस हाल के हाल अपडेट हो रही है, या प्रिंट हाल के हाल निकल रहा है, या हाल के फीस अपडेट हो चुकी है तुम्हारी, या फिर पेंडिंग है, या दो दिन बाद 24 घंटे बाद आप ट्राई करके देख रहे हैं, पेमेंट को वेरीफाई करके देख रहे हैं, तब भी स्टेटस यहाँ ऐसा होना चाहिए फीस कटने के बाद। ठीक है, कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। कुल मिलाकर जब भी एप्लीकेशन स्टेटस के बराबर से जो प्रिंट वाला बटन है, ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ प्रिंट का बटन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटआउट जनरेट होगा, तो वहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीटेड और कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब ये है फॉर्म आपका सबमिट है। अब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और पेमेंट नॉट वेरीफाई ऐसा लिख कर आ रहा है, तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो वो दिक्कत आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जो वेरीफाई का बटन दिया हुआ है पेमेंट वेरीफाई का, उसे वेरीफाई करेंगे आप। फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा तो नाइट में कर लीजिएगा, साइट जब सही चल रही हो तब कर लीजिएगा। अभी क्या स्टार्टिंग है तो जल्दी हो जाएगा, साइट प्रॉब्लम करेगी तो दिक्कत करेगा, 24 से 48 घंटे वेट करें। फीस यदि कट गई है तो ठीक है, तो वो आपका पेमेंट वेरीफाई होगा, सक्सेस होगा, और फिर आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का बटन शो करेगा। कुल मिलाकर अंत में यही कहूँगा, जब प्रिंट करेंगे आप, और प्रिंट का बटन यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, जब भी प्रिंट करेंगे तो एप्लीकेशन कंप्लीटेड आपके प्रिंट आउट पर लिखा होना चाहिए, और पेज के लास्ट में फीस एग्जेम्प्टेड यदि आप हैं, और यदि आप फीस कट रही है तो फीस का ट्रांजेक्शन डिटेल्स होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका फॉर्म आवेदन सबमिट सक्सेसफुली है। यदि अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।